ये जो आचार्य हैं, पहला जो चित्र आप देख रहे हैं वो बोधि धर्म का है। बोधि धर्म में कहते हैं कि 13 वर्ष तक समाधिस्थ रहे और जब वो समाधि से उठे तो उनकी भुजाएं, उनकी टांगें, उनकी लिम्स जो है वो काम नहीं कर रही थी। आज तक जापान में बोधि धर्म को लोग श्रद्धा की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से देखते हैं। आज तक वहाँ पर दरुमा धर्म का द हो गया, दरुमा नाम से डॉल्स मिलती हैं। किसी को कोई यदि कोई मनोकामना होती है तो वो बाजार से एक डॉल, दरुमा डॉल खरीदता है, उसकी एक आंख पेंट करता है, मंदिर में चढ़ाता है और जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो मंदिर जाके थैंक्स गिविंग के रूप में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय क्या किया जाता है, या तो भगवान की आंखें बनाई जाती हैं, पेंट की जाती है, कुछ ना कुछ आंखों को बनाया जाता है तो वो प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। बड़ी संख्या में ऐसे संस्कृत की पांडुलिपियाँ मिली हैं, जैसे हम लोग यदि मंदिर जाते हैं, आपकी इच्छा है, हे भगवान मुझे इसमें मैं फर्स्ट आ जाऊँ, हे भगवान मेरी ये जॉब लग जाए, हे भगवान हम जैसे माता पिता जाते हैं, भगवान मेरी बेटी का अच्छे घर में विवाह हो जाए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी मनोकामनाओं के लिए और जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊँगी, भगवान मैं ये करूँगी, ये पूजा करूँगी। उसमें हंसने की बात नहीं है, उसमें बुराई नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं मानती। लोग ये कहते हैं, अरे भगवान को क्या देंगे जो हमें सब कुछ देते हैं। नहीं, वो हमारा एक भक्ति का भाव है, वो हमारा एक दान का भाव है। वो एक अलग विषय हो जाता है कि कैसे इन विषयों, इन विचारों से सारे समाज में सौहार्द आता है, तो वो एक बड़ी आवश्यकता है। वहाँ पर क्या परंपरा है कि यदि सरस्वती देवी की पूजा करने गए, एक संगीतकार गया, हे देवी माँ मुझे स्वर इतना अच्छा मिले कि मैं एक अच्छा संगीतकार बना रहूँ या बनूँ या जो भी, तो वो जाके सरस्वती देवी का मंत्र जो है लिखा हुआ जहाँ के जाके चढ़ाता। एक मंदिर से एक, हर एक मंदिर में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी पांडुलिपियाँ लोगों ने चढ़ा दी। अब मंदिर उनका क्या करे, क्योंकि धर्म की वस्तु है, धार्मिक है, जला तो सकते नहीं, तो उन्होंने बंडल बनाया और विसर्जन की परंपरा वहां भी चली गई है तो विसर्जित कर दिया। अभी दिखा दिया ये पिछला जो मैं दिखा रही थी, उधर वाले जो आचार्य हैं वो भारतीय नहीं चीनी आचार्य हैं, परंतु अभिषेक के विशेषज्ञ और 8वीं शताब्दी में सम्राट शोमु और सारा राज परिवार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, उन्हें निमंत्रण दे रहा था कि आप आइए और हमें अभिषिक्त करिए। समुद्री तूफान, कभी कोई संकट, कभी कोई संकट, उन्होंने 12 बार यत्न किया, परंतु जब 13वीं बार वो चीन से जापान पहुंचे तो अपनी आंखें खो चुके थे, दृष्टि खो चुके, परंतु फिर भी उन्होंने अभिषेक की परंपरा की जापान में स्थापना की 8वीं शताब्दी में, जो आज तक चल रही है। ये एक आचार्य हैं शुभाकर सिंह। आप नीचे देखेंगे इसमें वो पॉइंटर है, नीचे आप देखेंगे तो कर सिंह, शुभाकर सिंह, उनके अपने हस्ताक्षर लिखे दिखाई देंगे 7वीं 8वीं शताब्दी में। जो लिपि भारत से गई नागरी लिपि, उसका जो रूप था वही जापान में आज तक विद्यमान है, उसको संरक्षित किया गया है। किस ढंग से संरक्षित किया गया इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इन्होंने जापान में मंत्र यानि की स्थापना की, मंत्रों में शक्ति है, परंतु आज हमने उसको हास्यास्पद बना। अभी एक पुणे यूनिवर्सिटी में किसी ने PhD की है सीड सिलेबस पर, आप कहते हैं ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे, परंतु समझ में कुछ नहीं आता कि हम इस मंत्र का पाठ उच्चारण कर क्यों रहे हैं, जाप कर क्यों रहे हैं। उन्होंने इस विषय पर PhD की है कि यदि आपने ह्रीं बोला तो ह में क्या अर्थ है, र का क्या अर्थ है, ई का क्या अर्थ है, न का क्या अर्थ है, मिलने पर आपको कौन सी शक्ति देता है। तो मंत्रों की जो शक्ति है वो जापान गई और आज तक विद्यमान है, उसकी अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। मैं कंबोडिया की बात कर रही थी। कंबोडिया एक ऐसा देश है जिसमें 14वीं शताब्दी तक संस्कृत राजभाषा के सिंहासन पर आसीन थी। वहां पर बड़ी संख्या में 12,000 से अधिक संस्कृत के शिलालेख मिले हैं। वो शिलालेख हमारी दृष्टि से भी बड़े आवश्यक हैं। पहला तो ये कि कंबोडिया में इतनी सुललित सुंदर संस्कृत लिखी जाती थी, ऐसे छंदोबद्ध श्लोक लिखे जाते थे, इतना उनके यहाँ दर्शन का इतना विकास हो चुका था, इतना अध्ययन हो चुका था। वहाँ के राजा रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति आदि का अध्ययन करते थे, पाणिनि का अध्ययन करते थे, इन ग्रंथों की प्रतियां बनवा के मंदिरों में भेजा करते थे, उनका वहाँ पर पाठ होता था।
क्यों? क्योंकि इनसे अनेक प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के मार्ग खुलते हैं। हमारी दृष्टि से बहुत आवश्यक है, सबसे पहले इतिहास की दृष्टि से कैसे आवश्यक है, जैसे हमारे पूर्वजों ने ठीक से तिथियां नहीं लिखी, रामायण की तिथि नहीं मिलती, अनुमानता है जो कुछ है, कहीं कहीं नक्षत्रों ग्रहों के आधार पर निश्चय किया जा रहा है, लिखित नहीं मिला। महाकवि कालिदास की तिथि नहीं कि किसी बड़े कवि की कर, किसी बड़े व्यक्ति की मिलती, ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य की हमें तिथि नहीं मिलती। उनके शिष्य के शिष्यत्व में वहाँ का एक राजकुमार आया था, उसका इसमें वर्णन है, उससे पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय, मैं मंत्रों की बात कर रही थी, यदि आप मंत्रों के विषय में बात करेंगे तो घर घर में गायत्री का पाठ होता है। जब हमारी संस्कृति गई और मंत्रों से शक्ति प्राप्त होने लगी तो वहां पे लोगों ने, राजाओं ने भी मंत्रों का पाठ किया। ये गायत्री मंत्र आप देख रहे हैं, चीनी ढंग से लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। इसमें यदि आप यहाँ पर आप प्रयत्न करेंगे, पहली पंक्ति जो है वो उइगुर भाषा है, दूसरी जो है वो चीनी लिपि है, तीसरी जो है वो मंगोल लिपि है, और चौथी तिब्बती लिपि है। तिब्बती लिपि में जब आप चौथी पंक्ति में जाते हैं तो सबसे ऊपर ओम आप पढ़ सकते हैं। संस्कृत के बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में मंत्र अनेक देशों से उपलब्ध हुए हैं। एक और मंत्र आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, यह है उष्णीष विजया धारणी मंत्र, उष्णीष विजया धारणी। जापान का जब पहला संविधान राजकुमार शोतोबु ताइशी ने 6वीं-7वीं शताब्दी में बनाया, तो संविधान की प्राण प्रतिष्ठा की गई, और प्राण प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत के मंत्र का पाठ हुआ, उष्णीष विजया धारणी मंत्र का। और वह 6वीं शताब्दी का जो की जो पांडुलिपि है वो आज तक वहां के होलियो जी विहार में सुरक्षित है, जिसे आप यहाँ देख सकते। बहुत लंबे समय तक विद्वानों ने ये कहा कि यह संसार की सबसे प्राचीन संस्कृत की पांडुलिपि है, परंतु आगे चलकर 2वीं शताब्दी के प्राप्त हो गए, उपलब्ध होकर इसलिए उनको फिर प्राचीनतम माना गया। संसार में सबसे प्राचीन लिखा हुआ कुछ भी मिलता है तो वो संस्कृत के ग्रंथ में पांडुलिपियाँ मिलती हैं, शिलालेख मिलते हैं तो अशोक के शिलालेख मिलते हैं, यदि आप प्रिंटेड आइटम्स की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों का चीन में जो अनुवाद हुआ वो मिलते हैं इत्यादि। यहाँ जो आप देख रहे हैं बस मैंने कहा संस्कृत जो देवनागरी लिपि है, मंत्र लिखने की लिपि है, इसलिए उसे शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है। मंत्र यदि शुद्ध उच्चरित नहीं होगा, शुद्ध लिखित नहीं होगा, तो वो अपनी शक्ति नहीं होगी उसमें। तो जापान में आज तक देवनागरी लिपि को लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, अभ्यास करवाया जाता है। एक बार मैं दयान जी विहार में कौनची नारा के पास है, तो वहाँ पे जो वहाँ के बड़े भिक्षु थे वो संस्कृत के मंत्र लिखने का अभ्यास कर रहे थे। मैंने उन्हें बहुत अनुमति दी किया कि कृपया ये मुझे दे दीजिए, पर वो माने नहीं कि नहीं, इट्स नॉट अ गुड हैंड राइटिंग, ये वो। कोई भी व्यक्ति अपनी घटिया लिखाई किसी के हाथ में देना नहीं चाहता, परंतु मैं भी उनके पीछे पड़ी गई और मैं उनसे लेकर आई। मेरे लिए ये आवश्यक नहीं है कि उनकी लिखाई कैसी है, मेरे लिए आवश्यक है कि संस्कृत के मंत्र लिखने का अभ्यास जापान के एक नगर से दूर किसी पर्वत पर भी स्थापित एक मंदिर में, एक विहार में बैठा अकेला भिक्षु मंत्र को लिखने का अभ्यास कर, उनसे शक्ति प्राप्त करने का यत्न कर। दूसरी बात इसमें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि 8वीं शताब्दी में जापान के एक आचार्य हुए कुबेरदर्शी, उन्होंने भारतीय लिपि के आधार पर भारतीय साउंड सीक्वेंस कहना चाहिए, जो हमारा वर्ण क्रम है उसके आधार पर एक नई वर्णमाला उनके लिए बनाई, जो कि हिराकाना कहलाती है, और उसका दूसरा रूप है काताकाना। हिराकाना का ये जो क्रम यहाँ देख रहे हैं आप, बीच की ये जो पढ़ सकते हैं काकी कूके को, जैसे हमारे यहाँ 12 खड़ी होती थी का काकी कीकू कूके कई को का, ऐसे ही उनके यहाँ 5 खड़ी होती है काकी कूके को सासी सुसी सो, इस तरह से उनको किस ढंग से लिखा जाता है वो यहाँ आप देख रहे हैं। नीचे जो दिखाई दे रहा है वो उनका एक पॉट है जिसमें वो इंक तैयार की जाती है, उसके ऊपर 2 ढंग है जिनसे लिखा जाता है, एक कलम के समान है, दूसरा ब्रश है, और वह यह लिपि सिद्धि देती है, इसलिए आज तक इसे सिद्धम कहा जाता है।
और किस ढंग से संस्कृत के शब्द देवताओं के नाम और मंत्र में लिखते हैं। मंत्र में देवता के नाम में भी शक्ति होती है, जैसे पहला जो आप देख रहे हैं वो शिव लिखा हुआ है। जो कलाकार यहाँ पे केवल आप चित्र देख रहे हैं, जो वास्तविक जो मूल है वो तो 7-8 फुट का है, और वो कलाकार इतने बड़े बड़े ब्रश लेके खड़े होके प्राणायाम करके लिखते हैं, कहीं बीच में सांस भी भंग ना हो जाए, और ब्रश को केवल एक बार इंक में भिगोना होता है, दोबारा नहीं भिगो सकते जब तक वो मंत्र पूरा ना हो जाए, और उसी भरे हुए ब्रश से वह ड्राई ब्रश इफेक्ट भी देख रहा है, क्योंकि शिव की जटाओं से गंगा बह रही है। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो वायु लिखा हुआ है, तीसरा जो है वो आप पढ़ सकते हैं ओम स्वाहा। तो इस प्रकार के बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत के देवताओं के नाम, संस्कृत के मंत्र इत्यादि आज तक लिखते हैं, और उन्होंने इसको एक आर्ट बना दिया, इट्स कॉल्ड आर्ट ऑफ कैलिग्राफी। हमारे देश में वो वस्तुएं डेवलप नहीं हुई हैं, परंतु इन जापान की ये बड़ी विलक्षण कला बन गई है। जहां जहां संस्कृत गई, महामार लिपि गई, उन लोगों ने किस ढंग से उस लिपि को लिखना सीखा, ये एक आपको मंगोलिया का उदाहरण दे रही हूँ। नीचे जो आप देख रहे हैं ये ओम लिखा हुआ है, और यही ओम उनके ध्वज में है। संसार का केवल एकमात्र ध्वज है जिसमें स्वयं हुआ है, केवल एकमात्र ध्वज है कंबोडिया का जिसमें एक मंदिर है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक संस्कारित नहीं होगा, व्यक्ति हो, राजनीति हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें संस्कार की आवश्यकता परम आवश्यकता। एक अच्छा डॉक्टर भी जब तक संस्कारित नहीं होगा तो सेवा भाव से काम नहीं करेगा। आप फीस तो आप उसको देंगे, उसके जीवन यापन का आधार है, परंतु उसके साथ साथ जितनी गड़बड़े देश में चल रही हैं वो केवल और केवल संस्कार से हो रही है। जितना अत्याचार, दुराचार, अनाचार, जितनी भी बुराइयां देश में है, जितने रेप हो रहे हैं, वो सब केवल मन के संस्कार से ठीक हो सकते हैं। सरकार हर व्यक्ति के पीछे हर समय 24 घंटे एक पुलिस वाला नहीं लगा सकता। यह देश जो बालिकाओं को देवी स्वरूप मानता है, देवी स्वरूप में पूजा करता है, उस देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो जाए, उसकी हत्या करनी चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलना चाहिए। संस्कार समाप्त हो रहा है, उसकी रक्षा करनी होगी, नहीं तो ये देश दानवों का, पिशाचों का देश बनता चला जाएगा। मैं और इस ओर चलती हूं। अकार, आज जो अक्षर है उससे सारे ज्ञान का उदय होता है, सर्वप्रथम अक्षर प्रारंभ होता है ज्ञान का। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है वर्णा नाम अकारोस्मि। तो जापानी कलाकार ने इसको एक देवता के रूप में पद्मासन पर बिठाया, उसके चारों ओर आभा मंडल बनाया, क्योंकि देवता है, ज्ञान देवता है, परंतु उसके नीचे एक वज्र भी बनाया। यदि ज्ञान में शक्ति नहीं तो वह संसार के बहुत स्थानों पर उसकी सहायता नहीं करता। यदि ऐसा ना होता तो ऋषियों मुनियों को कोई आवश्यकता नहीं थी, राजा दशरथ के पास आते और कहते कि ये अपने पुत्र मुझे दे दो, नहीं तो हमें राक्षस धर्म कार्य नहीं करने देते। शास्त्रे शास्त्रे च कौशलम, और इसमें विश्वास जापान भी करता है, कहते हैं केन ज़ेन इची। बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे चित्र मिलते हैं, देवताओं के स्वरूप मिलते हैं, जिनसे यह निश्चित पता चलता है, प्रमाण है कि शस्त्र शास्त्र जो कौशल, जहाँ शास्त्र काम नहीं करते, रुक जाते हैं, वहां पर शस्त्रों की आवश्यकता होती है। परंतु जब आप शस्त्र से काम चलाते हैं तो उसका संस्कारित होना परम आवश्यक। संस्कारित शस्त्र ही संसार की रक्षा कर सकता है, असंस्कारित व्यक्ति असंस्कारित ढंग से विचार से जब शस्त्रों का प्रयोग करेगा तो वे संसार का सर्वनाश कर सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर है, इसका सारे संसार को चिंता है। जापान में न्यूक्लियर पावर है, उसकी चिंता संसार को नहीं।
आज आप विदेश जाते हैं जहाँ की भाषा आप नहीं जानते, चीन, जापान, रशिया, बल्गेरिया और इतने, पेरिस चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा देश है जहाँ पर इंग्लिश कोई नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, आपकी भाषा नहीं जानता। तो आप एक छोटी सी पुस्तिका अपने साथ ले जाते हैं 150 वाक्यों की, उसमें एक आपकी आवश्यकता के विषय उसमें आ जाते हैं। चीन से संस्कृत की वार्तालाप पुस्तिका मिली है जो इस बात का प्रमाण है कि एक देश से दूसरे देश जो व्यक्ति जा रहा था तो संस्कृत पढ़ना अनिवार्य था, उसकी प्रथम आवश्यकता थी। इसमें दो भिक्षुओं का वार्तालाप है, एक भिक्षु दूसरे से पूछता है, कुशल शरीरी, आप कुशल तो हैं? फिर उनका जो वार्तालाप आरम्भ होता है वो उसमें पूछते हैं, आप कहाँ से आए हैं, कश्मीर गए थे क्या, कश्मीर से आए हैं क्या, आप राजा से कब मिलेंगे, आप अपने साथ ग्रंथ कौन से लाए हैं, आप उस मंदिर में जाओगे, अर्थात उनका जो विषय था उस समय का वो सब संस्कृत और भारतीय धर्म था, संस्कृत के ग्रंथ थे। ये एक आचार्य, आप चीनी आचार्य देख रहे हैं जिन्होंने सारे संस्कृत के ग्रंथ जो चीनी भाषा में अनुवादित हुए थे उनको शिलाओं पर खोदने का कार्यक्रम आरंभ किया और ये 100 वर्ष तक चलता रहा, कहीं ये विद्या नष्ट ना हो जाए। भारत से कोई भी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट संस्कृत के उपलब्ध नहीं है। संस्कृत में ये विषय है ये तो ठीक है अनेक ग्रंथों में, परंतु डॉक्यूमेंट्स, पांडुलिपि कोई उपलब्ध नहीं है। यहाँ जो आप चार डॉक्यूमेंट्स आपको मैं उदाहरण के रूप में दिखा रही हूँ ये चीन के कुछ स्थानों से उपलब्ध हुए हैं जिनमें लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव विषय उसमें दिखाई देते हैं, कोई परचेज ऑफ लैंड है, कोई अनेक प्रकार के विषय। ये आप देख रहे हैं शारीपुत्र प्रकरण, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया नाटक, जिस जिस देश में भारत पहुंचा, जहाँ जहाँ भारतीय संस्कृति पहुंची वहाँ वहाँ अनेक प्रकार की कलाएं भी पहुंची। पहली बार लोगों ने नाट्य शास्त्र, अभी आप नाट्य शास्त्र की बात कर रहे थे, पहली बार नृत्य, संगीत, नाटक, मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, अनेक प्रकार के ग्रंथ पहुंचे और उन्होंने उनके आधार पर अपने अपने देश में अनेक प्रकार की कलाओं का निर्माण किया, उनका विकास किया। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के अंश चीन से मिले हैं, महाकवि कालिदास की जीवनी के अंश मिले हैं भारत में नहीं। ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक भाग देख रहे हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चंद्रमा से भी जो दिखाई दिया तो वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई दी, उस पर संस्कृत का मंत्र लिखा गया। 14वीं शताब्दी में वहां के राजा ने शत्रु पर विजय के लिए की कामना से उष्णीश विजया धारिणी नाम का मंत्र चीन की महाभित्ति पर लिखवाया जो आज तक विद्यमान है। हजारों लोग प्रतिदिन जाते हैं परंतु ये विषय कौन बताएगा कि चीन की महाभित्ति पर संस्कृत का मंत्र विद्यमान है। वही मंत्र अन्य स्थानों से भी उपलब्ध हुआ है, मैंने यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से उसका नागरी रूपांतर, उसका रोमन ट्रांसक्रिप्शन। हम लोगों ने विचारों, दार्शनिक सिद्धांतों और गुणों को भी देवी माना है, ऐसे ही उष्णीश विजया, उष्णीश तक सर्वोत्कृष्ट, उष्णीश का पिता पवित्र, सर्वोत्कृष्ट विजय की कामना से जिस देवी की पूजा की जाती है, जिस मंत्र का पाठ किया जाता है वह उष्णीश विजया। जहां जहां भारतीय गए वहां वहां यज्ञ की परंपरा भी गई। ये आप जो देख रहे हैं इंडोनेशिया के जावा द्वीप से चलनी चितों से उपलब्ध एक शयन चिति है जो एक राजा ने यज्ञ करने के लिए बनवाई, 14वीं शताब्दी जब आक्रमण हो गए थे, जब वहां का इस्लामाइजेशन आरंभ हो गया था। और भी कई ऐसे शिलालेख मिले हैं जिनमें राजाओं के वर्णन है कि अमुक राजा ने ये यज्ञ किया, ब्राह्मणों को सुवर्ण दान किया, 20,000 गाय दान की, गांव दान किए इत्यादि। आज तक थाईलैंड में जितने राज परिवार के संस्कार होते हैं सब शैव रीति से होते हैं, जबकि देश बौद्ध है। जो हमारे यहाँ एक बड़ी खाई खड़ी कर बना दी गई है हिंदुओं और बौद्धों के बीच में, वो अन्य देशों में आप जाएंगे तो आपको नहीं दिखाई देगी।
थाईलैंड में जितनी ब्रह्मा जी की पूजा होती है उतनी भारत में नहीं होती। वहां के लोगों का ये विश्वास है कि ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, वट एवर यू वॉन्ट ही कैन गिव यू। मैं एक होटल में पहुंची, मुझे पहले से पता था यहाँ ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित हुई है। मैंने वहां जाके बहुत लोगों से प्रयत्न किया, किसी को समझ में नहीं आया। अंत में एक व्यक्ति से बात की तो उसने कहा, ओ यू मीन फोर फेस बुद्धा। कहने का अभिप्राय है कि भगवान भगवान है। और आगे चलते हैं, ये जो मैं आपको जापान की बात बता रही थी कि नदी में विसर्जित कर दिए बहुत बड़ी संख्या में। अब नदी का प्रवाह समय के साथ जब परिवर्तन हुआ तो ड्राई रिवर बेड में से बहुत सारे संस्कृत की पांडुलिपियां मिली। आज अब वहाँ के विद्वान इन विषयों पर कार्य कर रहे हैं। मैं बीज मंत्रों की और संस्कृत के मंत्रों के पाठ की बात करी थी। जिस मंत्र का आप पाठ करते हैं उससे आपको वही शक्ति मिलती है, उस शक्ति के लिए आप वो पाठ करते हैं। चीन के राजा भी ये करते थे। ये जो आप पात्र देख रहे हैं ये एक चीनी राजा के द्वारा रिचुअल बॉल है उसका। इसमें जो आप आरंभ में यहाँ शुरू में देखेंगे ऊपर वाले में, दिवा स्वस्ति स्वस्ति मध्यम दिने, पीछे की ओर है रात्रि स्वस्ति कि अर्थात हे भगवान मेरा दिन भी कल्याणकारी हो, मेरा मध्यम दिन भी कल्याणकारी हो, दिन का मध्य और मेरी रात्रि भी कल्याणकारी हो, इसका पाठ कर रही है। वो मंत्रों को अपने पात्रों पर लिख रही है। ऊपर जो आप देख रहे हैं उसमें सीट सिलेबस है, बीजाक्षर लिखे हुए मंत्रों से शक्ति की प्राप्ति के लिए। उन्होंने संस्कृत के जो ग्रंथ उनके अनुवाद हुए उस वो लोगों तक पहुंच जाए इसके लिए शिलाओं पर खोद दिए कि जिसकी आवश्यकता है वो आए, अपनी इंक लाए, अपना पेपर लाए और स्टैंप पर लिख दे। तो वो फॉरेस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जहां जहां भारतीय संस्कृति गई वहां वहां आज तक हमारे अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। यहाँ आप देवी सरस्वती का एक स्वरूप देख रहे हैं, अनेक स्वरूप।